आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी मटर मखाने की रेसिपी बताऊंगी, जो कि बहुत ही इजी है, सिंपल है, लेकिन बिल्कुल जैसे आप शादी ब्याह में या जो है पार्टी वगैरह में रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। ना इसमें मावा है ना पनीर है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत शानदार है। चलिए फिर बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तमीद महरा फूड्स में आप सबका वेलकम। तो मटर मखाना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना मखाना जो है रोस्ट कर लेंगे। तो मखाना रोस्ट करने के लिए मैंने पैन ले लिया, उसमें डालेंगे हम करीब 2 चम्मच घी, जो है घर में यूज़ करते ना उसी चम्मच से हम इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। घी के गर्म होने के साथ ही अब हम इसमें करीब 2 कप जो है हम इसमें मखाना डाल देंगे। मैंने मटर जो है करीब 1.5 कप ली है, तो मैंने इसके लिए 2 कप मखाना लिया, उससे जो है हमें ज़्यादा मखाना लेना है। तो हमें गैस का फ्लेम लो रखना है, लो फ्लेम पे हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे जो है भून लेना है। जब इस तरह से वो क्रश होने लगे ना, तब जो है इसका मतलब है आपका मखाना अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो हमें एकदम क्रिस्पी करारा जो है इस तरह से इसे हमें धीरे धीरे गैस पे ही इसको रोस्ट करना है। तो आपका जो है मखाना 2-3 मिनट में ही इस तरह से क्रिस्पी हो जाएगा। तो अब मखाना हमारा क्रिस्पी हो गया, तो इसको हम निकाल लेंगे, उसी बैन में हमें नहीं छोड़ना, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। बिना कलर चेंज किए ही हमें इसे रोस्ट करना है मीडियम गैस पे। तो चलिए अब हम जब मखाना हमारा फ्राई हो गया है, तो अब हम इसका मसाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे करीब 2 से 3 बड़ा चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल के गर्म होने के बाद अब हम इसमें अपने जो है मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अपने कुछ साबुत मसाले जो है ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आए। मसाले में हमने 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 इलायची, 2-3 लौंग और जो है 1/2 चम्मच हमने जीरा लिया है, 4 से 5 जो है काली मिर्ची और 2 तेज़पत्ता लिया है। इन सभी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे अपने तेल में, और उसके बाद हल्का से इसको रोस्ट कर लेंगे। जब इनकी अच्छे से खुशबू आने लगेगी, तब हम इसमें अपने दूसरे इन्ग्रीडियंट्स ऐड करेंगे। तो हल्का से इसको चला लेंगे चम्मच से, और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज जो है बारीक बारीक चॉप कर ली है, वो डाल देंगे। तो इसको डाल के हम इसका कलर चेंज होने तक का इसे हम जो है फ्राई करेंगे। जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज हो जाता, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए जब तक प्याज हमारी, तब तक हम इसे थोड़ा से भून लेंगे। तो प्याज का कलर चेंज हो गया है, थोड़ी सी प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, तब हम इसमें अपना दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर मैंने करीब 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, और जो है थोड़ा सा लहसुन जो है लिया था उसे क्रश कर लिया है, और जो है अदरक। तो जो है इन सब चीज़ों को मैंने एकदम बारीक बारीक चॉप किया हुआ है, और मिर्ची की जो है क्वांटिटी आप अपने हिसाब से जो है जितना आप तीखा खाते हो उतने उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 3 से 4 ही मैंने मिर्ची ली है, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था, और 7 से 8 लहसुन की कली थी, उसको मैंने क्रश कर लिया था, थोड़ा सा मतलब चॉप कर लिया है, चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो जब ये थोड़ा से प्याज के साथ अच्छे से भुन जाएगा हमारा मसाला, तो उसके बाद हम इसमें अपना टमाटर ऐड कर देंगे। 3 से 4 टमाटर ले लिएगा मीडियम साइज़ का, उसे जो है आप इसमें रफली काट कर बस डाल दीजिएगा, क्योंकि हमें बस टमाटरों को सॉफ्ट करना है। तो जो है आप मोटा मोटा भी काट के इसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है टमाटर डालने के बाद हम इसमें करीब 7 से 8 हम काजू डाल देंगे, जो हमारी ग्रेवी को गाढ़ा भी करेगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी देगा, एकदम अच्छे से रिचनेस आएगी इससे। तो जो है इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इन्हें सॉफ्ट होने तक का पका लेंगे, ढक के पका लेंगे। तो जो है ये देखिए हमारे सभी चीज़ें जो है, सभी मसाले हमारे सॉफ्ट हो गए, एकदम अच्छे से पक गए हैं। टमाटर भी हमारा गल गया है, तो इसे थोड़ा से दबा के इसे मैश करके देख लेंगे, हमारा जो है टमाटर अच्छे से मैश हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इसमें जो है 1/2 मसाला हम निकाल लेंगे, करीब 70% हम इसमें निकाल लेंगे, और 30% उसी में रहने देंगे। जो हमारा जो हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं ना, कि जो है थोड़ा उसमें दरदरापन रहता है, थोड़ा एकदम स्मूथनेस रहती है, तो उस तरह का टेक्स्चर लाने के लिए हमें क्या करना है कि 1/2 मसाला हम निकाल लेंगे, 1/2 मसाला इसी में रहने देंगे, आधे से ज़्यादा निकालना है हमें, और जो है थोड़ा सा उसमें रखना है, ताकि उसका थोड़ा दरदरापन सा टेस्ट आए। तो इन सभी चीज़ों को निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर कर हम इसे हम पीस लेंगे, एकदम जो है बारीक इसको हमें पीस लेना, एकदम स्मूथ इसकी जो है ग्रेवी सा बना लेना है इसका। तो जो है मसाला हमें पीस के तैयार कर लेना है। तो जो है अब जब इसको हमने निकाल लिया है, तो इसी मसालों में हम क्या करेंगे, अपनी मटर ऐड कर देंगे, ताकि मटर हमारी साथ ही साथ इसमें गल जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक कि हम मसाला पीस रहे हैं, तो इसमें अच्छे से मटर मिला के, करीब 1.5 कप मटर मैंने ली थी, इसमें मिला के इसको ढक देंगे, और ढकने के बाद हम अपना मसाला पीस लेते हैं।
तो ये देखिए मसाला जो मैंने निकाला तो थोड़ा ठंडा हो गया। अब हम इसको पीस लेते हैं, और पीस कर हम अपने जो हैं जो मटर हमने डाली थी मसालों के साथ उसमें अब हम इसमें अपने मसाले जो पीस के लाए हैं वो ऐड कर देंगे। अच्छा, जो इसमें जो है साबुत मसाले दिख रहे हैं, तो आपको चाहिए तो आप इसमें से तेज़पत्ता वगैरह निकाल सकते हो, नहीं तो उसी में रहने दिए, उससे कोई मसला नहीं होगा, जो है टेस्ट अच्छा ही आएगा और जो है कुछ भी ऐसा नहीं कि टेस्ट उसके ख़राब होगा। तो सारा मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ा मसाला हमारे जार में लगा था तो हमने इसमें क्या किया, थोड़ा सा पानी डालकर इसे जो है इसे भी ले लिया है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम अपने इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2 चम्मच करीब कलर के लिए हमने कश्मीरी मिर्ची पाउडर लिया है, तो इससे बढ़िया कलर आएगा। तो ये जो खाने वाला चम्मच है घर का ना, उसी चम्मच से मैं सारे मसाले ले रही हूँ। तो मैंने उससे हमने चम्मच से मैंने कश्मीरी मिर्ची पाउडर ले लिया। अब उसके बाद मैं उसी चम्मच से करीब 1.5 चम्मच मैं धनिया पाउडर लूँगी। धनिया पाउडर डालने के बाद मैं इसमें अब करीब 1.5 चम्मच ही जो रेगुलर लाल मिर्ची होती है ना वो डाल देंगे। आप अपने हिसाब से अपनी मिर्ची का तीखापन आप जानते हो, उस हिसाब से आप मिर्ची डाल सकते हो। तो मेरी मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है, तो इसलिए मैंने 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है। मिर्ची पाउडर डालने के बाद 1/2 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर डाल दिया। फिर उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे। करीब 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया, उसी चम्मच से जिससे मैंने सारे मसाले डाले ना, उसी चम्मच से मैंने 1 चम्मच इसमें नमक डाला। और 1/2 चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच ही काली मिर्च पाउडर है, बिल्कुल थोड़ा सा वो ऐड कर देंगे। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि मटर के साथ इन्हें पकने देंगे, जब तक कि इसमें जो है थोड़ा सा जो है तेल जो है मसाला हमारा रिलीज ना कर दे, तब तक कि हमें इसे पका लेना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक कर छोड़ देंगे, और इसे 10 मिनट बाद चेक करेंगे। यहाँ देखिए 10 मिनट हो गए हैं, तो मैंने इसे चेक किया है तो जो है अच्छा सा कलर भी आ गया है और तेल भी हमारा सेपरेट हो गया है। तो जो है अभी हम क्या करेंगे, हम इसमें जो है करीब 1.5 कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल मसाला हमारा ड्राई है ना, तो अभी हमें इसमें मखाने भी ऐड करने हैं। तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करके इसे हम थोड़ी देर हम पका लेंगे। तो जो है इसे पकाने के बाद हम जो है अपने मटर भी चेक कर लेंगे कि मटर हमारी गली है कि नहीं गली है। तो जो है इसके साथ साथ ही हम अपने इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रेवी हमारी पक के तैयार हो चुकी है, तो हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया। गरम मसाला ऐड करने के बाद मैंने मटर चेक की, मटर भी हमारी एकदम अच्छे से पक गई है। तो अब मैंने इसमें क्या किया है कि थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी ली थी, उसे थोड़ा सा जो है तवे पर हल्का सा उसे भून लिया था। तो अच्छे से जो है भूनने के बाद उसे हाथों में लेके क्रश करके उसे ऐड कर दिया। बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर इसका आता है, ज़रूर ऐड करिएगा थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी ऐड करने के बाद मैंने इसे मखाने ऐड कर दिए। मखाने आपको सबसे लास्ट में ही ऐड करना है, क्योंकि वो जो है लास्ट में ऐड करिएगा, नहीं तो जो है ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। जब आपको सर्व करना है ना, तभी आप इसे ऐड करिएगा। तो मैंने मखाने ऐड करने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी जो है जो दूध की मलाई होती है ना वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। आपको चाहिए तो आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने इसमें जो है मलाई ऐड करी, मैंने कोई ज़्यादा बाहर का सामान यूज़ नहीं किया है, जो घर में था उसी से मैंने ये सब्ज़ी बनाकर तैयार कर ली है। बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी ये। तो इसमें थोड़े से मैंने जो है गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा अदरक के जो है बारीक बारीक मैंने अदरक काट ली थी वो डाल दिए, थोड़े से काजू डाल दिए, थोड़े से जो है हरी धनिया डाल दी है। तो वो सब्ज़ी हमारी तैयार है, इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कितना जो है घर में ही रखे मसालों से ही हमने कितनी अच्छी सब्ज़ी बनाकर तैयार कर ली। बहुत ही टेस्टी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी। आप इसे जो है रोटी पराठे पूड़ी नान के साथ एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। अब आपको शादी ब्याह का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि आप शादी में जाओ पार्टी में जाओ तब आपको ये सब्ज़ी का टेस्ट लेने को मिलेगा। अब आप अपने आप से घर में बनाकर अपनों के साथ एंजॉय कर सकते हैं इस आने वाले त्योहारों पर। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिए। आपको हमारी रेसिपी कैसे लगती है प्लीज़ अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ हमारे चैनल तमीन मेरा फूड्स को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलती हूँ, फिर दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।